आज हम बात करेंगे यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो क्या होता है, क्या तकलीफ होती है और हाई ब्लड प्रेशर होने पर आपको क्या क्या नहीं खाना चाहिए, इन्हीं सभी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। चलिए बात कर लेते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है। सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है, एकदम से घबराहट होने लगती है, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगती है, जिसके कारण धुंधला दिखाई देने लगता है, सिर में बहुत तेजी से सरदर्द होने लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि सर फटने वाला हो, सीने में भारीपन और दर्द महसूस होने लगता है। और यदि आपको इनमें से किसी भी प्रकार के लक्षण नजर आए तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं ताकि आपको सही ट्रीटमेंट एवं सही सुझाव मिल सके। और यदि इस स्थिति में आपका बीपी बढ़ा हुआ रहता है और आप चाहते हैं कि मेरा बीपी बिल्कुल मेंटेन रहे और किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, तो आप इन खान पीन चीजों को अवॉइड करके आप अपने बीपी को मेंटेन कर सकते हैं। यदि आपको बीपी की समस्या रहती है तो नमक कम खाना चाहिए, और यदि आपको मेडिसिन लेने के बाद भी आपका बीपी बढ़ा हुआ रहता है तो आपको नमक बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। चाय और कॉफी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चाय तो आप थोड़ा बहुत ले सकती हैं, लेकिन आपका बेबी बड़ा हुआ रहता है तो आपको कॉफी बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। चटनी, अचार, बेकिंग पाउडर, सॉस और ज्यादा नमक वाले पापड़ों से परहेज करें, डिब्बा बंद भोजन से बचें, क्योंकि ऐसे फूड्सों में भी नमक अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऐसी चीजों से परहेज करना चाहिए जिनमें फैट अधिक होता है, क्योंकि फैट के कारण भी बीपी ज्यादा बढ़ने लगता है। एल्कोहल एवं स्मोकिंग का सेवन से बचें, बस रोजाना व्यायाम करें और डॉक्टर को नियमित रूप से अपना बीपी चेक कराएं और बिना डॉक्टर की एडवाइस से किसी भी प्रकार की मेडिसिन ना लें। आपका दिन मंगल में हो, आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें।